Welcome in our YouTube channel SC Entertainment Plus. If you haven't subscribed yet, please subscribe and press the bell icon to watch our video first. परम ब्रह्म परम धामा पवित्रम परम भवाना पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अज विभुम आहो असत्वा मृषस्य सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविशि मे सर्वम् एतादृत्यं मन्ये यन्मा वदसि केशव नाहि ते भवन् व्यक्तिं विर्दु देवा न दानवा। अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, आप भगवान परम धाम पवित्रतम परम सत्य हैं, आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं, नारद असित देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता और ना असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। तो महाभारत कथा में साथ ही साथ उसका हृदय मानी जाने वाली श्रीमद् भागवत गीता का भी हम आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलते हैं और उसके साथ साथ जो महाभारत की मुख्य कथा है वो भी साथ में लिए चलते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और उसके मध्य में भगवान श्री कृष्ण अपने परम मित्र अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दे रहे थे और इसी सारी वृतांत को संजय अपने दिव्य दृष्टि से महाराज धृतराष्ट्र को बता रहा था। तो चलिए हम भी रुख करते हैं महाभारत के इस कुरुक्षेत्र के मैदान में। अन्ये च बहवः श्रुरा मदर्थे व्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अर्थात जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो यह पूर्व निश्चित है कि वे सब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। अप्राप्तं तत अस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदं एतेषां बलं भीम अभिरक्षितम्। अर्थात हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अर्थात यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अन्य अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर
पांडवों की सेनाएं सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसका विजय निश्चित है क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागं अवस्थिता भीष्मं एव अभिरक्षन्तु भवन्तु सर्वे एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दी। तात्पर्य, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं, अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु उसकी इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह तोड़ने ना दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में बड़ी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने दूत क्रिया के अवसर पर किया था। तो आज तक के लिए कुरुक्षेत्र में इतना ही। अब हम रुख करते हैं मुख्य कथा भाग की ओर। अगर आपने इसके पहले की कथा नहीं देखी है तो इसके ठीक पहले की कथा हम ऊपर आई लिंक में दे देते हैं और बाकी की कथा के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। तो चलिए रुख करते हैं मुख्य महाभारत की कथा भाग। तो जब भी भीष्म व्यथित होते थे या किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति होती थी तो वह अपनी माँ गंगा से मिलने के लिए चले जाया करते थे। आज भी वह माँ गंगा से मिलने के लिए गंगा के तट पे पहुँच गए और उनके ठीक सामने माँ गंगा वहाँ प्रकट होती है और प्रणाम करते हुए पूछते हैं कि माँ आज आपसे बातें करने को जी हो आया, इसलिए मैं आपके पास आ गया। मैंने जो किया वह ठीक किया ना माते? इस पर देवी गंगा ने कहा कि पुत्र, तुम अधर्म तो कभी कर ही नहीं सकते। तुम्हारा जन्म ही हुआ है इस धरती पर धर्म का नाम और यश बढ़ाने के लिए। तुम्हारी माता होने का मुझे बहुत गर्व है पुत्र। इस पर भीष्म ने कहा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए था माते। इस पर देवी गंगा ने कहा कि पुत्र, वो तो सदा तुम्हारे साथ ही है। देवी गंगा ने कहा कि पुत्र, प्रतिज्ञा शब्द का नया अर्थ जो तुमने दिया है वह
इस पृथ्वी पर सदैव जाने योग रहेगा और तुमने जो किया है पुत्र वह किसी देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। पर मैं एक चीज यह कहना चाहती हूँ पुत्र कि तुमने जो किया वह तुम्हें निश्चय ही करना चाहिए था। भीष्म ने कहा कि हे माते क्या आदेश है। इस पर देवी गंगा ने कहा कि पुत्र तुम तो आदेशों से परे हो, भला मैं तुम्हें क्या आदेश दे सकती हूँ। तुम तो कभी चाह करके भी गलत नहीं कर सकते। इसके पश्चात देवी गंगा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी सत्यवती दुखी होकर चंद्रमा को एकटक निहार रही थी। उसी समय महाराज शांतनु का प्रवेश हुआ। महाराज शांतनु ने पूछा कि चंद्रमा को इस प्रकार क्यों देख रही हो। देवी सत्यवती ने कहा क्षमा मांग रही हूँ आर्य पुत्र। शांतनु ने पूछा क्षमा। इस पर देवी सत्यवती ने कहा कि मैं ही चंद्रदेव की अपराधिनी हूँ। इस पर महाराज शांतनु ने कहा सौंदर्य और यदि उस सौंदर्य में सुगंध हो तो वो अपराधिनी नहीं हो सकता। सत्यवती ने कहा पर सत्य तो यही है आर्य पुत्र कि मेरे सौंदर्य ने भीष्म के साथ इतने बड़े अन्याय का आधार बनी। शांतनु इस पर बोले कि हे सत्यवती यह संपूर्ण सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि गंगा के ये आठों पुत्र वसु थे जिसे श्राप मुक्त करने के लिए गंगा इसे नदी में प्रवाहित कर रही थी, जिसे मैंने अनजाने में इस आठवें पुत्र को कोक दिया। जिस पर गंगा ने कहा कि हे आज पुत्र लगता है इस आठवें पुत्र का श्राप अभी पूर्ण नहीं हुआ, इसी वजह से आपने वचन तोड़कर मुझे टोक दिया, अन्यथा आप मुझे इस प्रकार टोकते नहीं। अभिप्राय यह है देवी कि ये तो होनी का लिखा हुआ था और ये होकर ही रहना था, इसीलिए अपने आप को दोषी मत मानो। यह हमारा सौभाग्य है कि भीष्म के जैसा पुत्र हमें मिला। देवी सत्यवती ने कहा कि हाँ ये तो हमारा सौभाग्य है, पर ये उसका दुर्भाग्य है जिसे सत्यवती के जैसी माँ मिली जो कटार की भांति उसके हृदय को चीर कर रख दिया। इस पर शांतनु ने कहा कि ऐसा कहकर उसके पितृभक्त का अपमान तो ना करो। सत्यवती ने कहा अगर ऐसा ना कहूँ तो मैं अपने भीष्म का अपमान करती रहूँ। महाराज शांतनु ने कहा अगर यदि कोई दोषी है तो वो मैं हूँ, क्योंकि जब उसने प्रतिज्ञा की थी उस समय तुम उसकी माता नहीं थी, पर मैं तब भी उसका पिता था। मैंने अपने वर्तमान के लिए हस्तिनापुर का भविष्य खतरे में डाला, इसीलिए अगर कोई दोषी है तो वो मैं हूँ। वर्तमान समय में किसी देश का शासक अपने आप को ऐसा नहीं समझता है, वह अपने आप को उस देश का सर्वे सर्वा समझने लगता है और इस मद में चूर होकर वह राष्ट्रहित और आम जनता के हितों का अनदेखी करता है। और अगर इस पर कोई जनता आवाज उठाती है, आंदोलन करती है और अपने अधिकारों की मांग करती है तो वह शासक उसे दबाने की भरपूर कोशिश करता है, परंतु प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था। उस समय राजा स्वयं को प्रजा का सेवक अथवा दास समझते थे और वह देश हित और प्रजा हित के लिए अपने हितों का त्याग कर देते थे। तो रामायण और महाभारत काल में भी ऐसा ही देखा जा सकता है। दरबार में सभी मंत्रियों एवं गणमान्य के
बैठने के पश्चात भी राजगुरु ज्ञानमूर्ति अपने स्थान पर खड़े ही रहे। यह देखकर महाराज शांतनु ने राजगुरु से पूछा, कोई आपत्ति? इस पर हाथ जोड़कर राजगुरु ने कहा, हे महाराज, आज युवराज का सिंहासन रिक्त क्यों है? इस पर महाराज शांतनु मौन रहे। महामंत्री ने कहा कि महाराज, महारानी सत्यवती के ज्येष्ठ पुत्र होने तक के लिए स्थान रिक्त रखने के लिए वचन बद्ध हैं। इस पर राजगुरु ने पूछा, पर यह वचन किसने दिया? इस पर महामंत्री ने कहा कि महाराज के सिवाय यह वचन कौन दे सकता है? इस पर राजगुरु ने कहा कि हे महाराज, क्या आप भूल गए कि आप नीतिपति नहीं हो, आप प्रतिनिधि हो, और प्रतिनिधि को यह वचन देने का अधिकार नहीं। नीतिपति तो एकमात्र ईश्वर है। हे महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने देवव्रत में वह कौन सा दोष देख लिया जिसके वजह से आपने नूतन युवराज चुनने का विचार किया, और आपने वह कौन सा गुण देख लिया जो अभी तक जन्मा भी नहीं है। इस पर महामंत्री ने राजगुरु से कहा कि क्या प्रजा को यह पूछने का अधिकार है? इस पर राजगुरु ने कहा कि प्रजा कोई भी प्रश्न पूछ सकती है, उसे यह पूरा अधिकार है। इस पर देवव्रत ने हाथ जोड़कर महाराज से आदेश लिया कि हे महाराज, मुझे राजगुरु ज्ञानमूर्ति के इस प्रश्न का जवाब देने की अनुमति दीजिए। इस पर ज्ञानमूर्ति ने कहा, मुझे उत्तर नहीं युवराज, मुझे न्याय चाहिए। समय? देवव्रत भीष्म ने कहा कि समय की बात मत कीजिए राजगुरु, समय तो केवल साक्षीदार होता है। कर्म आपके अपने कर्म ही आपके प्रति उत्तरदायी होते हैं ना राजगुरु? इस पर राजगुरु ने कहा, अवश्य युवराज। देवव्रत भीष्म ने कहा कि जो कर्म मैंने किया है उसके लिए पिता महाराज कैसे उत्तरदायी हो सकते हैं? वो तो दासराज और महारानी को कोई वचन ही नहीं दिया था, उन्होंने तो उन्हें कह दिया था कि उन्होंने पहले ही मुझे हस्तनापुर का युवराज घोषित कर चुके हैं और उन्हें बदलने का अधिकार ही नहीं है, फिर वह कैसे दोषी हो सकते हैं? यह वचन तो मैंने ही दिया था कि देवी सत्यवती का ज्येष्ठ संतान ही हस्तनापुर पर राज करेगा, फिर भला इस कार्य के लिए महाराज कैसे दोषी हो सकते हैं? राजगुरु ने देवव्रत भीष्म से पूछा, युवराज आपने ऐसा किया क्यों? इस पर देवव्रत भीष्म ने कहा, हे राजगुरु, कोई दुखी राजा कभी अपनी प्रजा को सुखी नहीं रख सकता। इस पर राजगुरु ने कहा कि युवराज, इसका उत्तरदायी कौन होगा कि देवी सत्यवती का ज्येष्ठ पुत्र इस हस्तनापुर के सिंहासन के योग होगा? इस पर देवव्रत भीष्म ने कहा, हे राजगुरु, हस्तिनापुर की भाग्य रेखा देखकर आप ही बता सकते हैं कि भविष्य क्या होगा, पर अगर मेरे वचन का कोई मोल है तो मैं गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म हस्तिनापुर को यह वचन देता हूँ कि जो भी इस गद्दी पर बैठेगा उसमें मैं अपने पिता की ही छवि देखूंगा और आजीवन उसकी सेवा करूंगा। इस पर सभी दरबारी खड़े होकर भीष्म 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 की प्रतिघोष करने लगे। तो दोस्तों, यहाँ तक की कथा आप सभी को पसंद आई होगी, ऐसी हमें आशा है। और इसी तरह आगे की कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।